जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि आपकी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 40 होने वाली है, फिर आपकी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पूरी फिनिश हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी सी रह गई है, तो क्लास 41 तक हम करेंगे। क्लास 41 के बाद पूरी आपकी फिनिश हो जाएगी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 40, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI और UPPAT और यूपी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, UPGK का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके लिए UPGK आप लोगों को कराई जाती है। तो मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। जैसा कि साथियों आप सभी लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है वो लिखा है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है। आई होप कि मैंने कोई ना कोई क्लास कराई होगी जिसमें मैंने ये लिखाया होगा। तो भाई देखो, अगर मैंने लिखाया है तो आपको याद होगा। ये मुझे अपने आप पे इतना विश्वास है कि जो मैं पढ़ाती हूँ वो आपको याद होता है, क्योंकि हर एक कंडीशन में देखती हूँ ना, इस वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली समझती हूँ कि आप सभी लोग मेरे कॉन्फिडेंस पे खरे उतर रहे हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, एहसास दिलाते रहिए मुझे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, ये है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है आपकी? ये रामपुर है। कहाँ पर है? रामपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपके रामपुर में है, समझ गए ना। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। एक पॉइंट और समझ लीजिए अच्छी तरीके से, लेजर तकनीकी पर आधारित देश का पहला नक्षत्रशाला पूछा जाए तो आप बता दोगे आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, जो कि रामपुर में है, ठीक। अगला पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला, ये है आपके प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। अगला पॉइंट है यूपी में मोबाइल नक्षत्रशाला की संख्या कितनी है? तो ये केवल दो हैं, ठीक। राजकीय संग्रहालय का मतलब समझ लीजिए। देखो ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यूपी का जो पहला राजकीय संग्रहालय है वो लखनऊ में है। अगर वो दूसरा पूछेगा, दूसरा राजकीय संग्रहालय बताइए, तो आप बता दोगे मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिशन वर्दी का हमेशा यही आप लोगों से भरोसा रहेगा कि न रुके हैं कदम अभी और ना ही हिम्मत हारी है, इस बार सिलेक्शन लेना है, हम सब ने ठानी है। ठानी आपने भी है, ठानी हमने भी है आपको सिलेक्शन दिलाने की, तभी तो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि अगला पॉइंट है आपका, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपके कन्नौज में है। पुरातत्व से संबंधित कोई भी संग्रहालय आए तो आप क्या बताओगे? कन्नौज में है। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, गोरखपुर में बौद्ध संग्रहालय है। राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय मेरठ में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पर है? मेरठ में है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पत्रकारिता, तो इसको आप देख लीजिए। उदंड मातरंड बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके जो संपादक हैं, संपादक थे, वो कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल। उदंड मातरंड के संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। और ये प्रकाशित कहाँ से हुआ, ये जो पत्रकारिता है ये प्रकाशित कहाँ से हुई? तो ये कलकत्ता से हुई, जो प्रेजेंट में कोलकाता बोला जाता है आज, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ठीक है। भारत पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। कहाँ से हुआ? लखनऊ से हुआ। ये हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषाओं में है, ठीक।
तो मिशन वर्दी के लाडलो, अब हम पढ़ेंगे तत्व बोधनी पत्रिका के बारे में, ठीक है। तो तत्व बोधनी पत्रिका का जो संपादक किया था वो किसने किया? गुलाब शंकर ने। और ये प्रकाशित कहाँ से हुई? बरेली से प्रकाशित हुई थी तत्व बोधनी पत्रिका, ठीक। बनारस अखबार कितना इम्पोर्टेंट है, इसका जो प्रकाशन हुआ था ये वाराणसी से हुआ था, इसे तो आप भूलने वाले हो नहीं, ठीक। और यूपी में प्रकाशित पत्रों में से पहला हिंदी पत्र है बनारस अखबार, तो इसे बिल्कुल मत भूलना किसी भी कंडीशन में। अब हम पढ़ेंगे आनंद कादम्बिनी के बारे में। इसका जो संपादक किया था वो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किया था, बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपसे कह रही हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए, आनंद कादम्बिनी का जो संपादक किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किया था, और ये जो पत्रिका आपकी प्रकाशित हुई थी मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। अगला पॉइंट है आपका, सॉरी पॉइंट नहीं है, अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों के बारे में। इतना सही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल देख लीजिए, आगरा, आगरा में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया? अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला पॉइंट है, राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर कहाँ पर है? तो ये यूपी के किस जिले में है और जिले में भी किस स्थान पर है? तो ये आगरा के दयालबाग में स्थित है राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर। अगला पॉइंट है, यूपी का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो ये राज्य संग्रहालय है जो कि लखनऊ में है। पहला राजकीय संग्रहालय आपके लखनऊ में है और दूसरा मथुरा में है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में की गई। अगला पॉइंट है, प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा? आज प्रयागराज कहते हैं ना, तो इलाहाबाद पहले किसने रखा था? तो अकबर ने प्रयाग का नाम क्या रखा था? इलाहाबाद, ठीक है। अगला पॉइंट है, वृंदावन स्थित गोविंद देव के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये जयपुर के महाराजा मानसिंह थे, उन्होंने निर्माण कराया था वृंदावन में स्थित, वृंदावन आपके यूपी में है, ठीक है, मथुरा में, वृंदावन में स्थित गोविंद देव के मंदिर का निर्माण कराया था महाराजा मानसिंह ने, जो कि जयपुर के थे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल एवं संबंधित जिले। जैसा कि पता है ताजमहल अजूबा है ना, तो ये तो सबको पता है कि यूपी के आगरा में है, वृंदावन मंदिर मथुरा में है, ठीक है, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है, आनंद भवन प्रयागराज में है, शहीद स्थल छावनी ये कहाँ पर है? बस्ती में है, ठीक, कनक भवन अयोध्या में है, जेके मंदिर कानपुर नगर में है। अगला पॉइंट है आपका, बौद्ध स्तूप आपके कुशीनगर एवं पिपरहवा, सिद्धार्थ नगर का एक स्थान है पिपरहवा, ठीक है, समझ गए ना, कुशीनगर में बौद्ध स्तूप है और सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा में है, ठीक है। अगला, दशावतार मंदिर ललितपुर में है, शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है, विद्यवासिनी मंदिर कहाँ पर है? मिर्जापुर में। अब आपसे जायसी स्मारक पूछा जाएगा तो आप बता दोगे रायबरेली में है, ठीक है। चाइना मंदिर श्रावस्ती, रानी महल झांसी में, कालिंजर दुर्ग बांदा में है, देवी पाटन मंदिर इसे पाटेश्वरी मंदिर भी कहते हैं ये बलरामपुर में है। साथियों, हमारा अगला पॉइंट है, भगवान बारह मंदिर ये कहां पर है? ये कासगंज के शोरों में है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ है? तो आप बताओगे लखीमपुर खीरी में है। 84 गुंबद ये जालौन के कालपी में है। लॉर्ड कार्नवालिस का जो मकबरा है वो गाजीपुर में है। अगला पॉइंट है आपका, लाल दरवाजा मंदिर कहाँ पर है? तो आप बताओगे जौनपुर में है। जैसा कि साथियों आप इस हेडिंग को देख पा रहे हैं, चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान, ठीक है, 2020 से 2021 के अकॉर्डिंग
बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मेडिकल कॉलेज कितने हैं 2020 और 2021 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो ये 31 हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं। फिर भी साथियों आप इस डाटा को देख लेना, मेरे पास रिसेंट की बुक थी तो मैंने उसमें से देख के आपको बताया है, ठीक है। गूगल पर सर्च कर लेना, अगर आपके पास भी कोई बुक हो तो आप उसमें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों हमारा अगला पॉइंट कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पर है? तो आप बता दोगे कानपुर नगर में है। कहाँ पर है? कानपुर नगर में है। जैसा कि दूसरे प्रश्न में आप देख पा रहे हैं मैंने आपको लिखाया था जेके संस्थान कहाँ पर है, तो याद आया ना, ये भी कानपुर नगर में है। हृदय रोग संस्थान एवं जेके संस्थान आपके कानपुर नगर में है, कानपुर नगर। अगला पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये इटावा के सैफई में है। कहाँ पर है? इटावा के सैफई में। तो साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं आज रात 8 बजे लाइव सेशन में। क्लास 40 जो मैंने आपको कराई है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की, उसको मैं पूछूंगी, ठीक है। तो तैयारी के साथ आइएगा। जय हिंद।